इस लेसन में मैं आपको माया के एक्सचेंज टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो ये इंट्रोडक्टरी लेसन है, इसके बाद मज़ीद लेसन्स में आप ज़्यादा कुछ सीखेंगे, लेकिन इसका मकसद जो है ये है कि आप अपने किरदारों पे 3D में बाल किस तरह से बना सकते हैं। तो एक्सजेन जो है वॉल्ट डिज्नी फ्यूचर एनिमेशन कंपनी की बनाई हुई सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम अपनी सीन तैयार करेंगे, फिर मॉडल को तैयार करेंगे। तो पहले प्रोजेक्ट सेट करें, फाइल और सेट प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। इससे आप अपनी सारी फाइलों को सही ठिकाने पे रख सकेंगे। तो फोल्डर चुन के तो माया जो है वर्कस्पेस आपके लिए बना देगा। उसमें सारे फोल्डर्स वगैरह, जैसे सीन फोल्डर में आपके सारे 3D फाइल्स वगैरह जाएंगे। तो उसके नीचे आप अपने कैरेक्टर्स फोल्डर बना सकते हैं, प्रॉप्स और एनवायरनमेंट्स और मुख्तलिफ चीज़ों को आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से उसे सेट करके तो आप फिर चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जिस फोल्डर को चुना था तो आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट इस फाइल में उसी पे सेट हुआ हुआ है। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सजेन जो है बहुत सी फाइलें बनाती है, डेंसिटी मैप्स वगैरह और बहुत सी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को सही ठिकाने पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट सेट करने से एक्सजेन खुद बखुद ही इन फाइलों को सही ठिकाने पे रख देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 3D ज्योमेट्री में एक इसके बाल वगैरह मॉडल किए हैं, मतलब मॉडल बनाए इसके बालों के। तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि ऐसे पॉलीगॉन्स में बनाना जो है काफ़ी आसान है। इस तरह से आप इसकी शेप वगैरह को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बाद में जब आप इसके बाल सही से एक्सजेन में बनाएंगे या किसी भी हेयर टूल में बनाएंगे, तो आपको इस मॉडल को एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना होगा। तो उससे आपको बहुत आसानी होगी। तो इस मॉडल को मैं टेम्पलेट करता हूँ ताकि ये दिखाई दे, लेकिन मैं इसको गलती से सेलेक्ट ना कर सकूँ। फिर बाकी के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मैं छुपा दूँगा। अब ये इसकी जो सर है इसके ऊपर मैं डायरेक्टली भी एक्शन बना सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर जो तरीका है वो ये है कि इसकी कॉपी पे बाल बनाया जाए। तो कॉपी को मैं नाम दूंगा ताकि देख के ही पता चले कि इसका मकसद क्या है। तो कैरेक्टर का नाम और उसके बाद हेड इमिटर, क्योंकि इसके सर के जो बाल हैं ये इससे इसके ऊपर मतलब बनेंगे। इसके बाद फिर मैं इसके आईब्राउज़ के लिए भी ज्योमेट्री कॉपी करूँगा। तो मैं कंट्रोल डी दबा के इन ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर रहा हूँ। फिर इसके मूछों के लिए भी मैंने एक कॉपी बना दिया। अच्छा, अब उनको छुपा के तो सिर्फ इसके सर के बाल के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको मैंने ऑन किया। अब मैं फाइल सेव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने हेयर के लिए एक अलग फोल्डर बनाया है सीन्स फोल्डर के नीचे। अच्छा, अब इसमें मैं सारे गैर ज़रूरी पॉलीगॉन्स को डिलीट करूँगा। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसके सर के बाल होंगे, तो बाकी इसके चेहरे के जितने भी पॉलीगॉन्स हैं, इसके जिस्म के बाकी के पॉलीगॉन्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन मैं थोड़े से पॉलीगॉन्स जो हैं इसके जहाँ बाल शुरू होते हैं वहाँ छोड़ दूँगा, ताकि अगर उसके बाल थोड़े ऊपर नीचे अगर करने हों तो उसके लिए फिर गुंजाइश तो रहेगा। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करूँगा, सारे गैर ज़रूरी पॉलीगॉन्स को डिलीट करके तो फिर मैं इन मॉडल्स को दिखाऊँगा। अब ये मैंने
ये सारे गैर ज़रूरी पॉलीगॉन्स जो हैं इसके सर के बालों के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उससे उतार दिए, लेकिन माथे के कुछ मैंने पॉलीगॉन्स छोड़ दिए ताकि अगर बाल थोड़े ऊपर नीचे बाद में करने पड़े डिज़ाइन के तहत तो कर सकूँगा। तो इसी तरह से इसके जो आईब्रोज हैं उसके लिए भी मैंने ये ज्योमेट्री तैयार की है। तो वही जो आपने पूरे इसके सर और जिस्म के जो ऑब्जेक्ट थे वो जो मैं आपको दिखाया था तो ये उसी से बनाए हैं, लेकिन बाकी के पॉलीगॉन्स मैंने डिलीट कर दिए हैं। और इसी तरीके से इसके मूंछों के जो इमिटर ऑब्जेक्ट है उसे भी मैंने इसी तरह से बनाया है। अब अगर इसको असली मूंछों की तरह अगर मैं बनाना चाहता तो मैं शायद इसके ऊपर वाले होंठ के उस पूरे हिस्से को छोड़ देता इसमें, लेकिन क्योंकि इस को मैंने थोड़े कार्टून की तरह बनाना चाहा तो इसके डिज़ाइन के तहत उन मूछों को सिर्फ इतने पॉलीगॉन्स की ज़रूरत थी, तो ये यहीं से निकलेंगे ताकि ये इसके बोलने से और मुंह के हिलने के साथ साथ जो है अच्छी तरह से मतलब उसको मैच कर सके। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट बना दिए तो ये इमिटर ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे बाल उगेंगे, यह मतलब जिनके ऊपर बाल बनेंगे। अब मैं फ्रीज ट्रांसफॉर्म्स करूँगा, ठीक है, ट्रांसलेट रोटेट और स्केल को टिक करते हुए। तो ये सिर्फ मॉडल की सफाई जो है मैं कर रहा हूँ इस वक्त, और ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है मैं डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री करूँगा, तो 3D में ख़ासतौर पे मतलब इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं तो जहाँ थोड़ी सी भी आप गलती कर जाएं या सफाई से काम ना करें तो बाद में बहुत मुसीबत पड़ जाती है। अब मैं इन मॉडल्स के ऊपर UVs बनाऊंगा, तो UV प्लेन और बेस्ट प्लेन मेथड जो है चुन के तो अप्लाई करूंगा। तो माया अपने हिसाब से बेहतरीन एंगल से प्लेनर जो है प्रोजेक्शन लगाएगी इमेजर्स पे, तो एक एक करके पे मैं प्लेनर प्रोजेक्शन कर रहा हूँ बेस्ट प्लेन मेथड के साथ। अच्छा, इसके बाद जो है एक एक करके एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके तो यूवी एडिटर में जाऊँगा, उसमें आप यूवीज को देख सकते हैं, और फिर मैं पॉलीगॉन अनफोल्ड पे क्लिक करूँगा जिनसे माया अपने हिसाब से इसको अनरैप करेगा। तो यहाँ पे इसके सर के बालों के जो ऑब्जेक्ट है जो इमिटर है उसके सही यूवीज बन गए। इसी तरह इसके आईब्रो इमिटर्स के लिए भी करेंगे। यहाँ मैंने पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट किया है सिर्फ ताकि आप ज़्यादा आसानी से इन्हें देख सकें। इसी तरह इसके मूंछों की जो इमिटर है इसके भी यूवीज को मैं अनफोल्ड करूँगा। तो इसमें कोई मुश्किल स्टेप तो अब तक नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मतलब बोरिंग किस्म का काम है इन चीज़ों को तैयार करना, लेकिन है बहुत ज़रूरी। अच्छा, अब मॉडल को सेव किया मैंने, और इसके बाद जो है हाइपर शेड में जाएंगे और इन इमिटर ऑब्जेक्ट्स पे एक लैम्बर्ट शेडर जो है लगाएंगे। तो यहाँ पे लैम्बर्ट शेडर चुनेंगे और इसका भी सही नाम रखना जो है ज़रूरी है, वरना बाद में पता नहीं चलता कि
ये शेडर किसके साथ, किन ऑब्जेक्ट्स के साथ जाएगा। तो शेडर डालने का मकसद ये है कि इसके बगैर जो है आप जो मुख्तलिफ एक्सटेंट के मैप्स वगैरह हैं पेंट नहीं कर सकेंगे। तो ये जब हम उस लेसन में जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये समझें कि ये तैयारी के तौर पे काम ज़रूरी है। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें उस शेडर पे और असाइन करें। तो ये हो गया आपके प्रोजेक्ट और आपके मॉडल्स की तैयारी। अगले लेसन में हम एक्सजेन के ग्रूमेबल स्प्लाइंस जो हैं से शुरू करेंगे और इसके आईब्राउज उनसे बनाएंगे और बाद में इसके सर के बाल, मूछें वगैरह उन पे काम करेंगे। तो अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पे ताकि अगले लेसन भी आपको मिलते रहें। और बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में कोई सवाल वगैरह ज़रूर पूछिएगा।